अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक दफा फिर एक ऐसी शॉप पे आपको लेके आए हैं कि जिस पे किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप आए तो आपको हर ब्रांड मिल सकता है। तकरीबन 12 मुल्क यानी 12 कंट्रीज की कोई भी टायर के ब्रांड्स आइटम आपको मिल सकते हैं। यानी हर एक कंट्री अगर 5 टायर बनाती है, उस सारे ब्रांड्स अमेरिकन अगर 5 टायर बना रहे हैं तो वो सारे टायर कंप्लीट उनकी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल सकती है जिस शॉप पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। तो टाइम जाया किए बगैर अब हम स्टार्ट करते हैं। बस एक दफा फिर लेके आए हैं आपको शानदार शॉप में सदर की जान, जिसमें हर किस्म के टायर्स, हर कंट्री के टायर्स अवेलेबल है। मैं अगर इसे घूमना शुरू करूं तो मेरे ख्याल 5 मिनट तो मुझे इसी जगह पे लग जाएंगे घूमते घूमते। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आतिफ साहब, कैसे हैं जी। अल्लाह का शुक्र है खुर्रम भाई, आप सुनाए जी। खैरियत बिल्कुल से। ठीक ठाक। और व्यूवर्स वो सामने देख रहे होंगे, ये अब हम दुकान के बिल्कुल एंड वाले हिस्से में खड़े हैं। वो सामने से स्टार्ट होती है रिम्स टायर, हर किस्म की चीज यहाँ पे। बहुत बड़ा सेटअप है। बताने का मकसद ये है कि टाइम ना आपका जाया ना हो, जिस जगह पे आए अपनी चीज लें और बेफिक्री से आपको मसलन फिरना नहीं पड़ेगा। घूमना फिरना सीधी अल्फाज में बात है, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास आजकल। ऐसा ही है। आतिफ साहब सलाम दुआ तो आपसे ले लिया मैंने, अब बताएं आज कौन सी गाड़ी है और कौन कौन से नंबर हैं, क्या है। अच्छा, आज हम बेसिकली बात करेंगे सर, जो होंडा और करोला जो ये कार्स हैं 2000 से लेकर 2010 2011 तक जो आई हैं, उनमें जो कॉमन साइजेस चलते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से ब्रांड्स हैं उसमें और कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्ट हम करें। यहाँ से। फॉर एग्जांपल, एक ये सबसे पहले एक साइज है 85 65 15 ठीक है योकोहामा है। ये कॉमनली सर ये साइज चलता है होंडा में, होंडा सिटी में। यारिस जो नई आ रही है उसमें भी ये लगता है। उसके अलावा XLI ओल्ड, GLI ओल्ड मॉडल, उन सब में ये कॉमन साइज चलता है 185 65 15। होंडा सिविक पुरानी मॉडल की, उसमें भी ये साइज चलता है। तो ये योकोहामा 185 65 15 अवेलेबल है अगर किसी को होंडा ट्योटा या किसी। तो ये तो एक साइज हो गया 185 65 15 इसकी क्या का। प्राइस है। ठीक ये प्राइस सर योकोहामा जापान सर 19,500 रुपये का, ब्लू है अर्थिस की सीरीज है। नेक्स्ट आप इसमें देख लीजिए डनलोप अवेलेबल है, डनलोप 185 65 15। ये भी यारिस होंडा और कोरोना में ये साइज कॉमन लगता है। 60 से 70 हज़ार किलोमीटर इसके माइलेजेस हैं। अगर आप इसके रेट की बात करें तो नेशन टायर है ये, 17,500 रुपये का एक टायर है, 185 65 15 साइज में। ठीक है। अच्छा ये अगेन योकोहामा हमारे सामने सामने आ गए। आपने इसे पहले देखा था योकोहामा ब्लू अर्थ GT AE51 पैटर्न में। इसके पैटर्न का डिज़ाइन भी आप दिखा दीजिए अगर दिखा सकते हैं, ये वाला सेम साइज में 185 में ES32 का पैटर्न भी अवेलेबल है, मेड इन जापान है इसमें। और GT में सिर्फ गुड्डी का जो ये इसके पैटर्न का डिज़ाइन है उसका फर्क है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज सेम टायर है। नेक्स्ट और प्राइस भी सेम है, वो भी 19,000 रुपये का और ये भी 19,000 रुपये का एक टायर है। इसके अलावा इसमें आप देख लें कंफर्ट सीरीज RX 615 नानकिंग ताइवान भी अवेलेबल है। और इसका पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो ये पैटर्न भी इंतहाई खूबसूरत और पायदार है, रोड ग्रिप भी अच्छी है। और अगर प्राइस की आप बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 18,500 रुपये का एक टायर। फिर ये तो आपने देखे 15 साइज के 3 4 टायर अभी आप जो मेरे सामने भी आए हैं रैंडमली। 14 साइज भी चलता है इन सब मॉडल्स में, कुछ गाड़ियों में 14 साइज लगा होता है। मसलन 85 70 14 का ये टायर है, नानकिंग ताइवान का ब्रांड है मगर ये चाइनीज वेरियंट है उसका। 85 70 14 एक मुनासिब हाइट गेन करने वाला टायर है, मतलब मैक्सिमम जो कार्स हैं उसके अंदर 85 70 14 लगा होता है जो 2000 से ऑनवर्ड चलती हैं। तो ये इस टायर का जो अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 15,500 रुपये का एक मिल जाएगा, नानकिंग ताइवान 2 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के वारंटी के साथ। इसी साइज में फिर 85 70 14 में आप देख लीजिए मैक्सिस है, थाईलैंड का टायर है। इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत हाई क्लास की है, मिनिमम 1 लाख माइलेज
देने वाला टायर है, जैसा कि हमने बाकी वीडियोस में भी इनको मैक्सिस को कवर किया, ये कम से कम 1 लाख माइलेज देगा और रोड ग्रिप वगैरह इसकी भी एक्सेलेंट है, सॉफ्ट टायर है, कार्बनाइज्ड कंपोजिशन है इसकी। और रेट की बात करें तो रेट ही इसका है 14,500 रुपये एक टायर का। इसके अलावा इसी साइज़ में आपको ब्रिजस्टोन मिल जाएगा, ब्रिजस्टोन टेक्नो इसके पैटर्न का नाम है, 85-70-14 इसका साइज़ है और 16,000 रुपये इसका रेट है। और माइलेज की बात करें तो ये भी 60-70,000 किलोमीटर आराम से टेक्नो दे जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाएं, इसमें डनलोप मिल जाएगा, नहीं ये मैक्सिस ही है, डनलोप आगे चल के आपको दिखाते हैं। इसमें फिर नैनकिंग में 85-65-15 में एक पैटर्न और रह गया था, 6RXR611, ये भी बड़ा एक्सीलेंट पैटर्न है, रफ एंड टफ पे बहुत अच्छा चलने वाला है, मतलब अगर आप ऑफ रोड ज़्यादा करते हैं तो XR611 बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी आपके लिए। और माइलेज की बात करें तो वही 60-70,000 किलोमीटर 2 ईयर्स की मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी के साथ अवेलेबल है। प्राइस इसकी भी सेम उसी ताइवान वाला जो हमारा हमने पहले पैटर्न देखा था RX615 वाले ही है, 18,500 रुपये। अब हम बात करते हैं जी 175-70-14, ये साइज़ भी जो पुराने मॉडल आते थे उनमें अमूमन लगा करता था, अब भी चलता उन्हीं कार्स में जो हमारे पास आते हैं। 175-70-14 मैक्सिस का टायर है, 14,000 रुपये इसकी प्राइस है। सेम फीचर्स हैं जो मैंने अभी पिछले 85-70-14 मैक्सिस के टायर के बयान किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस 14,000 रुपये, ये 14,000 का, जिसमें 85-70-14 का था वो 14,500 का था, ये 75-70-14 साइज़ है, ये मिल जाएगा 14,000 रुपये का एक टायर। तो नेक्स्ट आ जाइए 85-65-14 साइज़ भी इन्हीं कार्स में लगता है, XLI में, पुरानी सिटी में और पुरानी होंडा सिविक में 85-65-14 साइज़, ये भी कॉमन साइज़ है। और नैनकिंग ताइवान का इकोनेक्स टेक्नोलॉजी का जो वेरिएंट है उससे इसका ताल्लुक है। प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है, ये मिल जाएगा 13,500 रुपये का और 2 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी के साथ। नेक्स्ट साइज है 85-70-14 RX615, ये हमने अभी 85-65-15 में भी देखा है, पीछे सेम पैटर्न है, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम टायर है, सिर्फ साइज का फर्क है। ये भी इन्हीं सब कार्स में विड्स हो गई आपके यारिस है, नहीं यारिस सॉरी जो पुराने मॉडल की यारिस है उसमें तो चल जाता है, नई में 15 आ रहा है, और जो XLI है पुरानी सिविक है उन सब में ये साइज चलते हैं। 85-70-14 RX615 कंफर्ट लेवल इंतहाई बेहतरीन, ज़बरदस्त, रोड ग्रिप भी ठीक है, स्पेशली स्नो और वेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मर है ये RX615। और माइलेजेस की बात करें तो 60-70,000 किलोमीटर परफेक्टली ये देता है, 2 ईयर्स की मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी है। प्राइस की बात करें तो ये 16,500 रुपये का एक टायर है। सेम वे में 85-65-14 पे हम रोल ओवर करते हैं तो रोलानेक्स सीरीज है, SP9 इसका पैटर्न है, ये काफ़ी फेमस पैटर्न है, अगर आप इसकी गुड़ी दिखाएं तो करीब से तो आपको ये नज़र आएगा, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ग्रूव्स लाइंस दी हुई हैं, ये स्पेसिफिकली ऑफ रोड के लिए डिज़ाइन, मतलब है ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए ऑल टेरियन टायर है, ऑफ रोड के ऊपर जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी चिप रेजिस्टिविटी बाकी टायरों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। और अगर आप इसके माइलेजेस की बात करें तो माइलेजेस वही जो बाकी ताइवान के ब्रांड की है, वही 60-70,000 किलोमीटर देगा, रफ एंड टफ काफ़ी ढीठ किस्म के टायरों में शुमार होता है। और अगर आप प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है, ये मिल जाएगा 17,000 रुपये का एक टायर। फिर हम बात करते हैं जी वी रबर थाईलैंड का ब्रांड है, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि इसका पैटर्न जिलियन पैटर्न है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, ये भी रफ एंड टफ का टायर है, मतलब आप अगर आपकी 75% अगर आप ऑफ रोड चलते हैं, 25% ऑन रोड चलते हैं तो ये टायर आपको ज़्यादा सूट करेगा। प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, 14,000 का ये एक टायर है। और सेम वे में इसमें अभी आपने ये देखा 85-70-14,
इसमें 85-65-14 भी मिल जाएगा, वीरबर थाईलैंड का, फीचर सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है, और प्राइस जो है इसकी 13,500 रुपये। बेहतरीन हो गया सर, सारा आपने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड भी कर दिया। अभी हमारा क्वेश्चन जो ये है कि आपकी बिल्टी तो जा रही है, जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी आप बिल्टी करवा सकते हैं जी। जो दूसरा आप ये भी बता दें, जो आपके पास लोग आके फिटिंग करवाते हैं उसमें क्या फैसिलिटी है, और जो आपका वो सिस्टम है क्या कहते हैं उसको, बैलेंसिंग और ये वो 3D आप बोलते हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज होती है सर? जो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो तो टायर चेंज की तो सर्विस है ही है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग का सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन अवेलेबल है, और उसके अलावा ऑप्शनल जो है 3D अलाइनमेंट का सिस्टम है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे तो आपने देखा होगा मैनुअल अलाइनमेंट हुआ करती थी किसी दौर में, फिर कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटराइज अलाइनमेंट स्टार्ट हो गई। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मजीद एडवांस हुई है, उसी में कंप्यूटराइज अलाइनमेंट के अंदर एक अब जो पहले कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी थी उसमें यह था कि फ्रंट टू व्हील्स को पहले वो डाटा लिया करती थी कंप्यूटर मशीन, और फिर उसके बाद अगर आपने रियर व्हील करना है तो उसकी बाद में दोबारा से होता था। तो अब एक ही टाइम में वो चारों व्हील्स के ऊपर सेंसर लग जाते हैं, कंप्यूटर को एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर उसको काफ़ी आसानी हो जाती है, और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के अंदर अंदर वो अपना काम कर लेता है। अब आपसे ये गुजारिश है, हमारे चैनल का कभी कोई जिक्र करे और उससे आके खरीदारी करे तो ये फैसिलिटी उसको मिल सकती है फ्री में? बिल्कुल सर, अगर आपके चैनल का जिक्र करता है तो हम उनको बैलसिंग, नाइट्रोजन और प्लस नोजल्स फिटिंग ये इंक्लूड करके दें। ये कंप्लीट फ्री है? ये फ्री है। बेहतरीन हो गया। और जो लोग मंगवाते हैं बिल्टी की सूरत में, उन्हें नोजलें वगैरह तो वो देंगे साथ आप? जी, वो यहाँ से हम शिपमेंट करवाएंगे साथ। बेहतरीन हो गया सर। अपनी शॉप का नाम एड्रेस बता दें। न्यू ग्लोबल टायर सर, सादी रोड सदर, रावलपिंडी। थैंक यू।